दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि छोटी छोटी खराबियों के कारण हवाई जहाज क्रैश हो जाती है जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, लेकिन कई बार कुछ लोग इन खतरनाक हवाई हादसों से भी जिंदा बचकर वापस लौट आते हैं। साल 1972 में भी ऐसा ही एक हवाई हादसा हुआ था जिसमें कुछ लोग चमत्कारिक ढंग से जिंदा वापस लौट आए थे। आखिर वो हादसा किसकी गलती से हुआ था और ये लोग किस तरह उस हादसे से बचकर जिंदा लौटे थे, जानेंगे हमारी आज की इस रोमांचक वीडियो में। दोस्तों ये बात 12 अक्टूबर 1972 की है। रग्बी खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों को एक मैच खेलने के लिए चिली पहुंचना था, लेकिन चिली पहुंचने के लिए कमर्शियल फ्लाइट बहुत महंगी थी और इन लोगों का बजट इतना नहीं था, इसलिए मजबूरी में इन लोगों ने एक पुराने एयरफोर्स प्लेन को किराए पर ले लिया। इस प्लेन का नाम फेयरचाइल्ड FH-227D था, जो अपने भारी वजन और कमजोर इंजन के लिए काफी बदनाम था, लेकिन चिली पहुंचने का एकमात्र सस्ता साधन यही था और इन खिलाड़ियों को हर हाल में चिली की राजधानी सेंटियागो पहुंचना था। और आखिरकार इन लोगों ने इसी प्लेन से जाने का निर्णय लिया। इस फ्लाइट में कुल 45 लोग थे जिसमें खिलाड़ियों के अलावा उनके फैमिली मेंबर, समर्थक और 5 क्रू मेंबर शामिल थे। आखिरकार एंडीज माउंटेन रेंज को पार करने का ये सफर शुरू हुआ, लेकिन पहाड़ों में आए एक जबरदस्त बर्फीले तूफान की वजह से ये सफर अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में रोकना पड़ा। तूफान के रुकने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था, इसलिए इन लोगों ने सफर आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे रूट से जाने का फैसला किया और 13 अक्टूबर को ये सफर एक बार फिर से शुरू हो गया। लेकिन ये लोग इस सफर का मजा ज्यादा देर तक नहीं ले पाए। सफर शुरू होने के कुछ देर बाद ही प्लेन में तेज झटके लगने शुरू हो गए। इन लोगों को ये समझने में देरी नहीं लगी कि प्लेन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। असल में प्लेन के पायलट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। घने बादलों की वजह से पायलट को लगा कि वह एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, जबकि वह एयरपोर्ट से 11 मिनट की दूरी पर थे और इसलिए पायलट ने प्लेन को नीचे कर दिया था, जिसकी वजह से प्लेन विशाल पर्वतों के बीच में आ गया था और प्लेन के अंदर बैठे सभी यात्रियों की हालत खराब हो गई थी। पायलट ने प्लेन को दो विशाल चट्टानों से बचाने के लिए रफ्तार तेज करके ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी इस कोशिश में प्लेन का पिछला सिरा एक चट्टान से टकराकर टूट गया। ये प्लेन अभी भी समुद्र तल से 13,800 फीट की ऊंचाई पर था। पिछला हिस्सा टूट जाने के बाद प्लेन बेकाबू होकर नीचे की तरफ गिरने लगा। नीचे गिरते हुए प्लेन के दोनों विंग एक चट्टान से टकराकर टूट गए, जिसके बाद सिर्फ प्लेन का अगला हिस्सा ही बाकी रह गया। प्लेन का ये बाकी बचा हिस्सा एक विशाल बर्फ के ढके पहाड़ पर जाकर क्रैश हो गया। लेकिन ये समस्या यहीं पर खत्म नहीं हुआ। बर्फ बेहद चिकनी थी जिसके कारण प्लेन नीचे की तरफ फिसलने लगा। नीचे फिसलते फिसलते आखिरकार यह प्लेन एक समतल जगह पर रुक गया। प्लेन अभी भी समुद्र तल से 11,710 फीट की ऊंचाई पर था और प्लेन के अंदर का माहौल बेहद डराने वाला था। हर तरफ रोने और कराहने की आवाजें आ रही थी। बहुत से लोगों को गंभीर चोटें आई थी। वह लोग पृथ्वी की एक ऐसी वीरान जगह पर थे जिसका अपना कोई नाम तक नहीं था। इस जगह का टेम्परेचर -22 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जिन लोगों को कम चोटें आई थी उन्होंने दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों को जानलेवा चोटें भी आई थी, जिसमें नांदो नाम का एक खिलाड़ी कोमा में चला गया था। इस समय तक कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। ठंड से बचने के लिए खिलाड़ियों ने जहाज के पिछले हिस्से को अपने सामान और सूटकेस से ब्लॉक कर दिया था। इन लोगों को लगा था कि एक बचाव टीम जल्दी ही इनको बचाने आएगी, लेकिन ये इन लोगों की गलत फहमी थी। प्लेन के अंदर पहली रात बड़ी मुश्किल से गुजरी और सुबह होने तक 5 और लोगों की मौत हो गई। नांदो अभी भी कोमा में था, जबकि उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और उसकी बहन की हालत भी गंभीर थी। प्लेन का रंग बिल्कुल सफेद था, जिसके कारण उसको इस बर्फीली जगह में ढूंढना नामुमकिन था। प्लेन में अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी मौत किसी भी समय हो सकती थी। दोस्तों हम आपको बता दें कि प्लेन का पायलट मर चुका था और को पायलट की हालत बहुत गंभीर थी। को पायलट ने खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वह उसको गोली मार दें ताकि उसको दर्द से छुटकारा मिल जाए, लेकिन खिलाड़ियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। खिलाड़ियों को एहसास हुआ कि उन लोगों को जिंदा रखने के लिए खाने का इंतजाम करना चाहिए और फिर उन्होंने प्लेन में खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि शराब और सिगरेट के अलावा जहाज में चॉकलेट, कैंडी, जैम और बादाम के कुछ डब्बे मौजूद थे। दिन बीतते गए और लोग मरते रहे। क्रैश होने के 10वें दिन नांदो को कोमा से होश आया। उसने उठकर देखा कि उसकी बहन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी।
नांदू की बहन ने उसके हाथों में अपनी आखिरी सांसें ली। अब इन लोगों को एहसास हो गया था कि उन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला है। एक वीरान बर्फीले पहाड़ पर वह लोग भूख से तड़प रहे थे। भूख के कारण जब नांदू का मनोबल टूटने लगा, उसने कहा कि वह मरे हुए पायलट को खाना चाहता है। यही बात कई और लोगों के दिमाग में भी घूम रही थी। प्लेन में खाने का एक तिनका भी नहीं बचा था। खिलाड़ियों का दिमाग भूख के कारण बगावत करने लगा था। उन्हें ये पता था कि अगर उनको जिंदा रहना है तो उन्हें अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना पड़ेगा। इस समय प्लेन के अंदर 27 लोग जिंदा थे और इतने लोगों के खाने का कोई अन्य इंतजाम होना नामुमकिन था। आखिरकार उन्होंने अपने मरे हुए साथियों का मांस खाने का निर्णय लिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने पायलट से की। कुछ दिन इसी तरह बीते और 17वें दिन की रात को उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो एक विशाल अवलांच उनकी तरफ बढ़ रहा था और कुछ ही सेकंड में वह तूफान प्लेन तक पहुंच गया। इस भयंकर तूफान में 8 और लोगों की मौत हो गई। प्लेन पूरी तरह बर्फ से ढक गया था और इस बर्फ को पिघलने में 3 दिन का समय लगा। दिन बीतते गए और ये लोग अपने मरे हुए साथियों का मांस खाते रहे। ये लोग गर्माहट के लिए सिगरेट पीते और हर रोज मदद की तलाश में बाहर निकलते, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही ये बुरी तरह थक कर वापस आ जाते। एक और चीज जो इन्हें परेशान कर रही थी वो थी स्नो ब्लाइंडनेस। सूर्य की रोशनी में बर्फ इतनी तेज चमकती थी कि इन लोगों में अंधेपन का समस्या होने लगा था। इन समस्याओं से बचने के लिए इन लोगों ने बर्फ में चलने वाले काम चलाओ जूते और धूप के चश्मे बना लिए, ताकि ये बर्फ में और ज्यादा दूर तक जा सके। खोज के दौरान इन लोगों को जहाज का एक दूसरा टुकड़ा मिला। इस टुकड़े में इन लोगों को प्लेन के रेडियो बैटरी, कुछ चॉकलेट टॉफियां और कुछ कॉमिक्स मिली। ये लोग उस रात वहीं रुक गए। अगले दिन ये इस उम्मीद से लौटे कि वापस जाकर बैटरी की मदद से रेडियो को फिर से चालू करेंगे, लेकिन किसी को भी रेडियो के बारे में इतना नॉलेज नहीं था कि वह उसको रिपेयर कर सके। इस समय तक सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बचे थे। उन्हें लगने लगा कि कुछ ही दिनों में वह भी मौत का शिकार हो जाएंगे। नांदू ने सुझाव दिया कि कुछ लोगों को मदद ढूंढने के लिए चिली जाना चाहिए। हालांकि बर्फ के पहाड़ों को पार करके 59 किलोमीटर दूर चिली पहुंचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। सभी की सहमत से तय हुआ कि इस सफर पर नांदू के साथ रॉबर्टो और विजिटिंग नाम के 2 और लोग भी जाएंगे, और फिर 61वें दिन यह लोग नामुमकिन दिखने वाले सफर पर निकल पड़े। 3 दिन सफर करने के बाद विजिटिंग की हिम्मत जवाब दे गई और वो वापस प्लेन पर लौट गया, लेकिन नांदू और रॉबर्टो ने सफर जारी रखा। 8 दिन लगातार सफर करने के बाद आखिरकार उन्हें एक नदी दिखाई दी। नदी के दूसरे तरफ उन्हें एक इंसान दिखाई दिया और उस व्यक्ति से मदद मांगने के लिए नांदू ने पत्र लिखकर एक पत्थर की मदद से उसकी तरफ फेंका। वह व्यक्ति पत्र पढ़कर मदद का वादा करके वहां से चला गया। नांदू और रॉबर्टो ने वहीं नदी के किनारे डेरा डाल लिया। 2 दिन बाद नांदू और रॉबर्टो की मदद के लिए वहां पर आर्मी पहुंच गए और आर्मी ने तय किया कि बाकी लोगों को ढूंढने के लिए नांदू हेलीकॉप्टर के साथ जाएगा। थोड़ा आराम करने के बाद नांदू आर्मी के हेलीकॉप्टर के साथ अपने साथियों को बचाने के लिए निकल पड़ा। क्रैश होने के 72वें दिन सभी 16 लोगों को बचा लिया गया। सभी लोग इनके लौटने का जश्न मना रहे थे, लेकिन एक सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था कि ये लोग आखिर 72 दिन तक बिना खाना पानी के कैसे जिंदा रह पाए। कुछ दिन बाद एक अखबार में घटना स्थल का एक फोटो छपा, जिसमें इंसानी शरीर के कंकाल मिले थे। इन लोगों के 72 दिन तक जिंदा रहने का राज खुल गया। बहुत से लोगों ने इनका विरोध करते हुए इन्हें नरभक्षी और आदमखोर जैसे नामों से पुकारा, लेकिन नांदू ने एक इंटरव्यू में कहा कि उस पहाड़ पर जिंदा रहने का यही एकमात्र जरिया था। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन लोगों ने अपने साथियों का मांस खाकर ठीक किया या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।